धनखड़ धनखड़ साहब ने बगैर एमएलए होते हुए भी लोग काम किए, हार के कारण भी लोग आगे बहुत काफी काम किए उन्होंने, तो इसी वजह से लोग उनसे जुड़े हुए हैं। बीजेपी का भाई साहब धनखड़ साहब का बगैर एमएलए रहते हुए भी जब भी बहुत ज्यादा काम किए हैं। संदीप बस भी तो रहे यहाँ नहीं रहे हैं साहब, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, वो कभी आए नहीं हमारे पास यहाँ पे गांव में नहीं आए, नहीं कभी नहीं आए, आए हमारे एक दो दफा, लेकिन जो वादे किए उनके फिर उनके ऊपर पूरे तनाव उतरे हुए। भाई हम तो बीजेपी की तरफ चल रहे हैं, हम पहले जब मंत्री था जब खूब काम करवाए ना कुछ काम ना करवा रहे थे, तो गांव पड़ा दिखे देखो जाके ये आए हो गए आड़े के पानी में लेकर आए हो गए। हाँ पानी में फिर आप देख लो भाई को काम हो रहा है। बीजेपी का रुझान है जी, बीजेपी का योग्य काम किए जी धनखड़ जी ने, पिछले 5 साल में तो कोई काम ही नहीं हुआ, उससे पहले काम हुए जब मंत्री थे धनखड़ साहब, इस 5 साल में तो कोई काम ही नहीं हुए। बीजेपी का पूरा रुझान है जी यहाँ से, यहाँ पर बीजेपी का रुझान है धनखड़ साहब का, इन दोनों से काफी ऊंचाई पर चल रहा है। अच्छा तो यहाँ पर जीते ठेकेदार भी जो गुड़िया खाप नहीं है, जीते ठेकेदार भी, लेकिन वो बाहर एक बादली बादली के अंदर सीमित है, बाहर नहीं है। नहीं जीते थे गया था वो, उन्होंने उदासन ने मना कर दिया, बता रहे हैं उसको टिकट देने है, तो मना करने के बाद मां वो अपने आजाद उम्मीदवार हो गया खड़ा। तो क्या गुड़िया खाप जीते ठेकेदार का कुछ सहयोग करेगी? गुड़िया खाप ही कुछ करेगी, लेकिन बाहर तो नहीं ना, तो यहाँ बाहर रुझान अब बतावा बीजेपी का चल रहा है। तो पिछले विधायक ने कुलदीप वर्षा ने जो भी है उन्होंने क्या कुछ काम ना कोई काम ही नहीं किया, यहाँ पे ही चल गए, यहाँ भी इसलिए ही हो रहे है, कोई काम आए होया ही नहीं बिल्कुल भी बादली को नीचे में। अच्छा धनखड़ साहब ने बगैर एमएलए होते हुए भी लोग काम किए, हार के कारण भी लोग आगे बहुत काफी काम किए उन्होंने, तो इसी वजह से लोग उनसे जुड़े हुए हैं। क्या नाम भाई जी आपका? मनजीत नाम भाई। तो मनजीत जी यहाँ बादली विधानसभा में किसका रुझान ज्यादा चल रहा है आपका? बीजेपी का भाई साहब धनखड़ साहब का। धनखड़ साहब, धनखड़ साहब ने क्या ऐसा गांव में क्या कुछ काम किए हैं कि जो जिससे प्रभावित होकर के लोग उसके साथ जुड़े हुए? उन्होंने जी काफी काम किए हैं, पिछली योजना में बगैर एमएलए रहते हुए भी जब भी बहुत ज्यादा काम किए हैं। हाँ जी कुलदीप बस भी तो रहे यहाँ? नहीं रहे हैं साहब, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, वो कभी आए नहीं हमारे पास यहाँ पे गांव में। अच्छा हाँ जी गांव में नहीं आए? नहीं कभी नहीं आए, आए हमारे एक दो दफा, लेकिन जो वादे किए उनके फिर उनके ऊपर पूरे तनाव उतरे हुए। हाँ धरातल पे तो होना चाहिए ना, कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो जमीन पे दिखाई तो देना चाहिए जी। हाँ जी भाई हम तो बीजेपी की तरफ चल रहे हैं, तरीबनी का है हमारे हिसाब से, हम पहले जब मंत्री था जब खूब काम करवाए, अब भी जो है लोगों के जो सा कोई काम अपना गया तो उसके जो सा काम करवा दिया। तो जीते ठेकेदार का भी कुछ रुझान है? जीते ठेकेदार का रुझान था भाई, नहीं भी जो सही है इसमें कांग्रेस में बीजेपी में ज्यादा बात पसरी। अच्छा हाँ कांग्रेस विधायक उसने 5 साल में ना कुछ काम ना करवा रहे थे, तो गांव पड़ा दिखे देखो जाके ना हो गया जी, ये आए हो गए आड़े के पानी में लेकर आए हो गए। हाँ पानी में फिर आप देख लो भाई को काम हो रहा है ना। बीजेपी का रुझान है जी, बीजेपी का किस तरह से ले रहे हैं आप? बीजेपी सराहनीय योग्य काम किए जी धनखड़ जी ने, तो आगे कुछ उम्मीद है? बिल्कुल जी पूरी उम्मीद है। गांव में किस तरह के काम नहीं हुए? काम देख लो बहुत काम, तो इस पिछले पांच साल में तो कोई काम ही नहीं हुआ, उससे पहले काम हुए जब मंत्री थे धनखड़ साहब, इस 5 साल में तो कोई काम ही नहीं हुए। तो क्या रुझान है इससे? बीजेपी का पूरा रुझान है जी यहाँ से। ठीक है विधायक जी, जो बादली के विधायक है उन्होंने कोई काम करा? ना ना उसका तो दामा के सारे मार के देख लिए, तोड़ वगैरह बनाए थे जो धनखड़ ने, वे सारे रोड तड़वा के रखे हैं। अच्छा पानी अच्छा। है पानी भरा रहे हड़े, निकासी उन्हें तो सेवर दाद दिए थे गांव के बाहर जान के। जी क्या नाम है जी आपका? हंसराज जी। यहाँ बताया गया कि बादली हल्के में कुलदीप बस ने 5 साल में कोई काम नहीं कराया, क्या कहना? कोई काम नहीं कराया, जो भी काम हो रहा है वो धनखड़ साहब के टाइम का हो रहा है, और धनखड़ साहब के टाइम में
गांव में बहुत ज्यादा काम हुए। एक तो वाटिका हमारे गांव में नहीं थी, बहुत बढ़िया वाटिका बना रखी है, कम से कम भी ढाई बीघे में बन रही है। पांच साल में कांग्रेस में कोई काम नहीं? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। तो आगे क्या उम्मीद रखते हैं बीजेपी से? आगे जी सारी उम्मीद रखते हैं, जो भी काम होंगे बीजेपी के टाइम पे होंगे, और पहले भी बीजेपी के टाइम पे काम हुए थे और अब भी उम्मीद है हमें बीजेपी के टाइम पे काम होंगे। बीजेपी के टाइम पे देखो हमारे यहाँ बच्चे लगे हैं, एक तो SI लगा है हरियाणा पुलिस में, एक लड़की में लगी है बाल्मीकि की, वो हरियाणा पुलिस में लगी है, एक लड़का लगा था जट्टा का, वो भी इसी टाइम में लगा था, बिना पर्ची खर्ची के काम लगे है जी, कोई पैसा नहीं लगा उनका, बहुत सराहनीय काम कर रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि खाकी वर्दी पहले गांव में किसी ने पहरी है नहीं, जी नहीं पहरी, पुलिस वाला आया करता था, बिल्कुल तभी दिखती थी, तभी दिखती बीजेपी राज में दिखी। हाँ जी, के बीजेपी राज में दिखी, ठीक बोल रहे हो, ऐसा ही है। तो क्या कहना है अब धनखड़ के लिए या आम जनता के लिए? धनखड़ के लिए ये कहना है जी, अब की बार धनखड़ को बढ़िया मतों से जिताएंगे,